हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम मैथ्स में जो हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिक से लेकर एकदम अपर लेवल तक इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज़ होती है आयोटा। आयोटा क्या बोला मैंने? कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज़ होती है आयोटा। ठीक है, आयोटा इसको बोलेंगे IOTA, आयोटा। ये जो आयोटा है ये आया कैसे? ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, राइट। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि क्या किसी भी नंबर का मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं आएगा। स्क्वायर करने पे जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी वो 0 मिलेगी, मिनिमम 0 और 0 से ज्यादा, नेगेटिव कभी नहीं मिलेगी। तो रियल, जब हम पढ़ते हैं रियल लाइन सिस्टम पढ़ते हैं, रियल नंबर लाइन, तो उसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी माइनस 1 को अब हम कॉम्प्लेक्स में लेके आए, इसी को हमने कॉम्प्लेक्स में इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, क्लियर, एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसी को स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, इसी को आयोटा बोलते हैं। तो ये आ गया, तो यहीं से आयोटा आया और यहीं से हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आयोटा, तो इतना क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद देखो, जैसे एक चीज है हमने अभी क्या सीखा, पहली चीज हमने सीखी आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। ठीक, पहली चीज सीखी। अब जैसे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है माइनस 5 का, क्लियर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखना जरा, 5 इंटू माइनस 1 लिख सकता हूं। इसको मैं अलग अलग तोड़ के ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, इसको ऐसे ही रहने दो, और इसको अभी हमने क्या बोला, देखो ऊपर आयोटा, क्लियर। तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 किसके इक्वल आ गया, 5 आयोटा के, क्लियर। पहली चीजें क्लियर हो गई हैं। दूसरी चीज इसमें सीखेंगे, देखो आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, ये आयोटा की पावर 1। अब हम निकालेंगे आयोटा की पावर 2 यानी आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब आयोटा स्क्वायर माइनस 1 कैसे होता है, देखो यहीं से देख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट, और स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, माइनस 1। तो यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आती है माइनस 1। फिर आयोटा क्यूब निकालो, दोनों साइड आयोटा का मल्टीप्लाई करो, तो यहां आयोटा क्यूब हो जाएगा, यहां माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर अगर माइनस 1 है तो आयोटा की पावर 4 कैसे आएगा, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इसमें, तो यहां पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इसमें जो सीखने लायक चीज है कि आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4, 1। इतना क्लियर? ठीक,
ये तो बेसिक है ठीक। अगर मैं इसमें आयोटा की पावर 5 निकालने जाऊं, देखना, अगर मैं इसमें आयोटा की पावर 5 निकालने जाऊं, देखो, तो आयोटा की पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा लिख सकता हूँ ना। आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1 इनटू आयोटा, और 1 इनटू आयोटा क्या होता है? आयोटा। तो देखो ये आयोटा आ गया, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। पावर कितनी थी? 5। यानी आयोटा की पावर 4 तक हमने पढ़ा कि वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आयोटा की पावर जैसे ही 5 आया, 4 के बाद आना स्टार्ट हुआ, तो हमारे पास ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी आयोटा की पावर 5 आयोटा आ गया, आयोटा की पावर 6 फिर -1, यानी आयोटा स्क्वायर आएगा, यानी रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक बेसिक चीज देखते हैं। ठीक है, देखो, आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू -, आयोटा और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर? ठीक। इसी में अगर देखो, आयोटा की कोई भी पावर है, आयोटा की कोई भी पावर है, उसे हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है, रिमाइंडर 1 आता है, तो उसकी वैल्यू भी सेम आयोटा की जैसे होगी। ठीक है, 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 4 के बाद वैल्यूज जो आयोटा की है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको, 4k+1। ये आयोटा की कोई भी पावर है, 4 से उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 तो नहीं आएगा। ठीक, तो रिमाइंडर जब 1 बचता है तो आयोटा आंसर आता है, रिमाइंडर जब 2 बचेगा तो आंसर कितना आएगा? -1, यानी आयोटा स्क्वायर रिपीट हो रहा है ना। आयोटा की कोई भी पावर है उसको हमने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 3 आया, तो जब रिमाइंडर 3 आया तो आंसर आएगा -iota। इतना क्लियर? और जब रिमाइंडर जब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी रिमाइंडर 0 बचे, कुछ भी ना बचे, तो आंसर आता है 1। ठीक है, तो इस पे से आपने ये सीख लिया। क्लियर? ठीक। इसके बाद एक अगली चीज है, उसे देखते हैं। देखो, कहीं पे आपको 1/i दिख जाए, ठीक है, 1/i आपको कहीं पे दिख जाए, तो उसको रेशनलाइजेशन मत करना, ठीक है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद रखो -iota। पहला पहला रिजल्ट ये है, ठीक। दूसरा रिजल्ट, अगर आपको 1/i क्यूब कहीं पे दिख जाए तो इसको भी रेशनलाइजेशन मत करना, इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट है आयोटा। ठीक, ये दो रिजल्ट डायरेक्ट आपके टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है, आ जाएगा। माइनस आयोटा कैसे आएगा? जब हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, लेकिन करना नहीं। अगर 1/i आपको कहीं पे दिख रहा है तो डायरेक्ट -iota, और 1/i³ आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट आयोटा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसे। इसके बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये किया था ना, स्क्वायर रूट ऑफ -5, इसको हमने कैसे सॉल्व किया था? देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं अलग अलग, राइट, और रूट 5 को ऐसे ही, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? आयोटा। क्लियर? ठीक। इसके बाद देखो दूसरा केस, अभी रूट के अंदर माइनस है और अभी रूट के अंदर प्लस है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, लिखेंगे ऐसा, ठीक, इसको अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला केस, दूसरा केस देखना, यहां पे देखो एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, यहां पे देखना एक नंबर पॉजिटिव, यहां पे दोनों नंबर पॉजिटिव है। अब इस केस में देखना जब दोनों नंबर नेगेटिव हो, ठीक है, जैसे
ये ठीक, यहाँ पे देखना रूट के अंदर क्या था, नेगेटिव था यहाँ पे, क्या रूट के अंदर नेगेटिव। तो जब इसको सॉल्व किया तो रूट फाइव के साथ आयोटा आया, तो ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट टू के साथ क्या आएगा, आयोटा इनटू रूट के अंदर नेगेटिव है तो क्या आएगा, रूट थ्री आयोटा। ये क्यों आया ये मैंने ऊपर बता दिया। ठीक, रूट टू इंटू रूट थ्री कितना होता है, रूट सिक्स आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट सिक्स। अब मैं इससे आपको क्या कॉन्क्लूड करूंगा, देखो जब दो पॉजिटिव नंबर है जैसे रूट फाइव और रूट टू, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रूट टेन आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां पे देखना दो नंबर रूट फाइव और रूट माइनस वन, तो डायरेक्ट क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन जब दो नंबर रूट के अंदर नेगेटिव हो, ये इसको ए मान लो इसको बी मान लो, ठीक है, व्हेन ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, रूट के अंदर क्या है, ए एंड बी दोनों नेगेटिव हैं, तो आंसर देखना क्या आया, माइनस रूट सिक्स। अगर मैं इसको ए मान लो, देखना इसको ए मान लो इनटू इसको बी मान लो, तो इसका आंसर कितना आया, देखना साइन क्या है, माइनस बाहर है और रूट, ये सिक्स कैसे आया, जब टू और थ्री को मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा। ठीक है, यानी रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू होता वैसे है क्या, नॉर्मली रूट ए इंटू रूट बी होता है रूट ए बी, लेकिन यहां पे देखो रूट ए इंटू रूट बी कितना आ गया, माइनस रूट ए बी आया। ठीक है, ये कब होता है, जब ए और बी दोनों नेगेटिव हो, व्हेन ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपरों में। ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आया देखो, इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना देना है, इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव देन रूट ए इंटू रूट बी क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लो, रूट ए बी, ऑप्शन नंबर बी माइनस रूट ए बी, ऑप्शन नंबर सी प्लस माइनस रूट ए बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। ठीक है, अब देखो नॉर्मली रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी होता है, तो आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन यहां पे बोल रहा है कि ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, यानी ये ए और ये बी जो रूट के अंदर है वो नेगेटिव है। ठीक है, कौन सा केस, ये वाला देखो, ये वाला केस, ये ए है ये बी है दोनों नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, अभी हमने पीछे किया था रूट सिक्स आया था। ठीक है, तो यानी ये माइनस साइन और ये क्या होगा, रूट के अंदर ए बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ये माइनस रूट ए बी, व्हेन ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव देन रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू माइनस रूट ए बी। क्लियर, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आए नहीं है, अभी सिर्फ आयोटा पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, आयोटा की प्रॉपर्टीज हैं कुछ। देखो पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ फोर कॉन्जुकेटिव, और रटने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं उसी को अप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर्टीज में, सम ऑफ फोर कॉन्जुकेटिव पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, सम किसका, फोर कॉन्जुकेटिव, कॉन्जुकेटिव मतलब लगातार, किनका, पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। देखो कैसे, आयोटा इसका मतलब क्या, देखो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब
प्लस आयोटा की पावर 4। ठीक है, इसको तो आयोटा रहने दो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? माइनस वन। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। इस 1 से ये 1 गया, आयोटा आयोटा गया, कितना आ गया? 0। ठीक है, तो अब कभी भी सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स अगर आयोटा की आपको दी गई है तो आप सीधा 0 लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, देखो, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, चार क्रमागत पावर्स हैं, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हैं आयोटा की। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, आंसर सीधा 0। क्लियर? ठीक, प्रूफ में कर चुका हूं कैसे होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है डायरेक्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 3। देखना, 4n, 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, चार लगातार हैं आयोटा की पावर्स, तो आंसर सीधा डायरेक्ट 0। रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार। ठीक, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक, इस समय प्रॉपर्टी क्या है? सम किसका? 2 कंसेक्यूटिव, दो लगातार इवन हो या दो लगातार ऑड हो आयोटा की कोई भी पावर, जैसे कंसेक्यूटिव इवन और पावर्स ऑफ आयोटा कितना होगा? 0। ठीक, एग्जांपल देखना जरा। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 लगातार है, आयोटा की पावर 2 और 4 कैसे नंबर्स हैं? इवन। तो आयोटा की लगातार 2 इवन पावर्स हो गई, तो आंसर क्या होते हैं? 0। कैसे होते हैं? देखो, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा 4 1, कितना आ गया? 0। ठीक है, तो ये तो हो गए इवन पावर के लिए। अगर ऑड पावर है, देखो, ऑड पावर जैसे ये आयोटा प्लस आयोटा की पावर 3 कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव ऑड पावर्स ऑफ आयोटा, तो आंसर इसका भी क्या? सीधा 0। कैसे? आयोटा को ऐसे रहने दो, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 0। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? 0। ठीक, देखना गैप कितने का है? 2 का गैप है। ठीक है, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं, n की जगह 1 रखा तो ये आ जाएगा, n की जगह 2 रखता हूं तो ये आ जाएगा। ठीक, ये क्या है? 1 और 3 क्या है? ऑड पावर से आयोटा की, तो आंसर बिना सोचे समझे 0। ये 2 और 4 क्या है? आयोटा की इवन पावर है, तो आंसर 0। क्लियर? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आयोटा की पावर 500 प्लस आयोटा की पावर 501 प्लस आयोटा की पावर 502 प्लस आयोटा की पावर 503, इसकी वैल्यू क्या होगी? आयोटा की चार लगातार पावर्स है, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा,
500, 501, 502, 503, तो आंसर डायरेक्ट जीरो। ठीक, क्वेश्चन नंबर टू, आयोटा की पावर 100 प्लस आयोटा की पावर 102 प्लस आयोटा की पावर 104 प्लस आयोटा की पावर 106, इसका आंसर क्या होगा? आप देखना यहाँ पे चार लगातार कंजुकेटिव, फोर कंजुकेटिव पावर्स ऑफ आयोटा तो नहीं है ना, यहाँ पे देखो 100 है, फिर 102 है, यानी इवन पावर है आयोटा की, तो सम ऑफ टू कंजुकेटिव इवन और ऑड पावर्स ऑफ आयोटा कितना? जीरो। प्लस ये भी क्या हो जाएगा, इवन पावर ऑफ आयोटा, यहाँ पे जीरो, और जीरो प्लस जीरो कितना? जीरो। क्लियर? ठीक, इसमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, आयोटा की पावर 115 प्लस आयोटा की पावर 117 कितना होगा? कितना होगा? सिंपली जीरो। क्यों? सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पावर्स ऑफ आयोटा इज जीरो, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अभी तक जो हमने पढ़ा वो यूज करना है इसमें, आयोटा की पावर 15 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 19 प्लस आयोटा की पावर 25 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो आयोटा की पावर 15 है ना, इस 15 को मैंने क्या कहा था, पावर को 4 से डिवाइड करो। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 4 के बाद आयोटा की जो पावर होती है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो 15 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 3 12, तो कितना बच जाएगा? आयोटा की पावर 4 3 12, ऐसा लिखेंगे ना इसको, देखो आयोटा की पावर 15 को मैं कैसे लिखूंगा, ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 4 पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है 4 3 12, सॉरी यहाँ पे आएगा 3, और 12 प्लस 3 15, ऐसा लिखूंगा। आयोटा की पावर 4 1 होती है, 1 का क्यूब 1 होता है, इनटू आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। तो इतना ना करके डायरेक्ट क्या मैं आयोटा की पावर 15 की जगह माइनस आयोटा लिख सकता हूँ? ठीक, कुछ नहीं करना है, 15 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, रिमाइंडर बचा 3, रिमाइंडर अगर 3 बच रहा हो तो आंसर डायरेक्ट माइनस आयोटा। क्लियर? प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 19 है, 19 को 4 से डिवाइड करो तो 4 4 16, बचा कितना रिमाइंडर? 3, तो 1 अपॉन आयोटा क्यूब यही बचेगा। प्लस आयोटा की पावर 25 है, 4 से डिवाइड करो, 4 6 24, रिमाइंडर 1, तो वही आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन आयोटा, कोई दिक्कत? ठीक, माइनस आयोटा। सबसे पहले जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने 1 अपॉन आयोटा की क्यूब की वैल्यू मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट याद रखो, तो वो वैल्यू कितनी होती है? प्लस आयोटा, प्लस आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा, डायरेक्ट याद रखना है ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया? जीरो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूं। ठीक है, देखना क्वेश्चन है, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, ठीक, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू 25, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना, यानी इसका मीनिंग क्या है कि n की वैल्यू 1 से लेकर 25 तक यहाँ रखते जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज बताना मुझे, इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा n इज इक्वल टू 1 टू 25, यहाँ से आयोटा की पावर n कॉमन आ सकती है? ठीक, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 1 प्लस यहाँ आयोटा बच जाएगा। ठीक, क्या मैं इस 1 प्लस आयोटा को इस समीशन से बाहर ले आ सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयोटा की वैल्यू तो यहाँ कहीं डिपेंड ही नहीं कर रही, तो ये इसको हम एक कॉन्स्टेंट के जैसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक,
ठीक, समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर 25 और आयोटा की पावर n, ठीक है। अब ये 1 प्लस आयोटा तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, n इज इक्वल टू 1 से लेकर 25 तक टोटल कितने टर्म्स हैं? 25 टर्म्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करूँगा तो वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2, ऐसे करते करते आयोटा की पावर 25 तक, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 से लेके 25 तक टोटल टर्म्स है 25, ठीक है, 25, ठीक। अब मुझे आप एक चीज बताना कि n इक्वल टू 2 से लेकर n इज इक्वल टू 48, मतलब 2 से लेके 48 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, जरा बताना। अब आप बोलेंगे 46, नहीं गलत। जब भी हम टोटल टर्म्स निकालते हैं तो टोटल टर्म्स कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1। तो आप देखो फाइनल कितना है 48, माइनस इनिशियल कितना है 2 और प्लस 1 कर दो तो 48 माइनस 2 46, 46 प्लस 1 47। तो टोटल टर्म्स कितने होंगे जब यहाँ पे 2 से लेके 48 तक होगा, 1 से लेके 25 तक, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, जैसे मैं 2 से 48 लिख दूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 46 नहीं आएंगे बल्कि 47 आएंगे। टोटल टर्म्स कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक। अब टोटल टर्म्स आए 25, तो जितने भी हमारे पास टोटल टर्म्स हैं 25 जो भी है उसको डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करने का रीजन पता ही है आपको, 4 6 24, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है कितना बचा, 1। तो अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो पीछे से एक टर्म लिख दो, अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो पीछे से बचे हुए 2 टर्म्स लिख दो। मतलब ये 1 रिमाइंडर बचा, तो जब मैं यहाँ n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4 इस टाइप से, तो लास्ट में आयोटा की पावर 25 आएगी ना, ठीक। लास्ट टर्म आयोटा की पावर 25 है, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो सिर्फ हम लिखेंगे आयोटा की पावर 25। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचता तो मैं लिखता आयोटा की पावर 25 प्लस आयोटा की पावर 24। रिमाइंडर 3 बचता तो आयोटा की पावर 25 प्लस आयोटा की पावर 24 प्लस आयोटा की पावर 23, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, वरना ऐसे में लेंथ ही बढ़ जाएगा। 1 प्लस आयोटा, अब आयोटा की पावर 24 कितना होता है, 4 से डिवाइड कर लो 25 को, तो आयोटा आएगा, मल्टीप्लाई करो 1 का मल्टीप्लाई आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा, प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा के साथ करो तो आयोटा स्क्वायर, ठीक। तो आयोटा तो ऐसे रहेगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आयोटा -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आयोटा -1। अब एक क्वेश्चन और है, ठीक। उसे आप होमवर्क में करेंगे, n इक्वल टू 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। और इसके मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 0 1, -2 और 1 प्लस आयोटा, ठीक। इसको आप घर से करेंगे, सेम प्रोसेस जो मैंने अभी बताया। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। अब यहाँ पे n इक्वल टू 4 से लेकर 16 तक है, ठीक। ये इसमें हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। प्रोसीजर सेम रहेगा, देखना यहां से आयोटा की पावर n कॉमन आ जाएगा, ठीक। यहाँ 1 प्लस आयोटा क्यूब बच जाएगा और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा। तो मैं डायरेक्ट क्या यहाँ पे माइनस आयोटा लिख सकता हूँ, 1 माइनस आयोटा, ठीक। और बाहर से कितना है, समीशन n इज इक्वल टू 4 से लेकर के 16,
ठीक है। अब ये जो वन माइनस आयोटा है इसको मैं बाहर ले जा सकता हूँ यहाँ से, ठीक बचेगा समीशन n इज इक्वल टू 4 से लेके 16 आयोटा की पावर n। अब 4, 5, 6, 7 ऐसे नहीं रखनी है वैल्यूज। अब मुझे बताना कि 4 और स्टार्टिंग 4 से एंडिंग 16 से है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। फॉर्मूला वही बताया था मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, तो 16 माइनस 4 12 और 12 प्लस 1 13, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे होंगे 13। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है। अब रिमाइंडर 1 आने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, देखो 1 माइनस आयोटा यानी पीछे से लास्ट टर्म लिखनी, क्योंकि रिमाइंडर एक बचे तो आगे से नहीं पीछे से करेंगे, ठीक है। अगर दो बचेगा तो पीछे से दो टर्म, बची हुई दो टर्म। अब देखना लास्ट टर्म कितनी आएगी, आयोटा की पावर 16 नहीं आएगी, 16 कैसे आ जाएगी, 16 तो उसमें टर्म्स ही नहीं है, टर्म्स है 13, तो 13 क्या होगा लास्ट, यानी आयोटा की पावर क्या बच जाएगा, आयोटा की पावर 13, ठीक है। ऐसा है ना 4, 5, 6, 7 इस टाइप से, ठीक है। तो यानी 13 आएगा, यानी लास्ट टर्म क्या होगी 13, तो आयोटा की पावर में चली जाएगी, ठीक है। 1 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 13 कितना होता है, 4 से डिवाइड कर दो तो 4 3 12, ये तो कंप्लीट चले गया, बचा आयोटा। इसको सॉल्व कर लो, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, आयोटा माइनस 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आयोटा की पावर 16 नहीं होगा लास्ट टर्म, आयोटा की पावर 13 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही 13 है, ठीक है। तो आयोटा माइनस 1 इसका राइट आंसर हो गया। सॉरी एक गलती हो गई, ये क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1 और माइनस माइनस का प्लस, तो आयोटा प्लस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन है, वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 और ऐसे करते करते आयोटा की पावर 100 तक, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इस 1 को तो ऐसे रहने दो, प्लस देखो 2, 4 सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन पावर्स ऑफ आयोटा 0, ठीक ऐसे ये भी 0 चलता रहेगा, लास्ट यहाँ पे क्या आयोटा की पावर 98 भी होगी कहीं ना कहीं, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 1, तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन बचे हैं उसके बाद आयोटा वाला टॉपिक खत्म, फिर कॉम्प्लेक्स पे आ जाएंगे। क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उसमें जो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा वो देखना। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 ऐसे करते करते है 2 n टर्म्स तक हमें फाइंड करना है कि वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन भी दे देता हूं, 1 माइनस 1 2 और नन ऑफ द एबव, ठीक है। अब देखना इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब मुझे एक चीज बताना, अगर आप n की जगह 1 रखते हैं तो 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2 टर्म्स, क्लियर। ये क्या है, सम करना है। अगर मैं n की जगह 1 ले रहा हूं तो यहाँ पे 2 टर्म्स तक का 2 टर्म्स आएंगी, तो 2 टर्म्स का सम करो, तो 2 टर्म्स कितनी, देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, कितना आ गया 0। अभी इसको देख के 0 आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पे मैंने अभी n की वैल्यू कितनी रखी थी 1,
अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं जब मैं n की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो मेरा आंसर 0 आ रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 2 लूँ, यानी 1 क्या है ऑड है और 2 क्या है इवन है, ठीक। n की वैल्यू जब 2 लूंगा तो 2 टू जब 4, तो 4 टर्म्स तक, तो 1, 2, 3, 4 टर्म्स ये हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6, ठीक है। 1 को ऐसे रहने दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन पावर्स ऑफ आयोटा, आंसर 0, कैंसिल होगी कितना आ गया 0, ठीक। अब मैं n इक्वल टू 3 रखूंगा तो 3 तो इस वाले केस में आ जाएगा, ऑड वाले केस में, और जब n इज इक्वल टू 4 रखूंगा तो इस वाले केस में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ऑड के लिए भी देख लिया, इवन के लिए भी देख लिया, क्या दोनों जगह आंसर 0 0 सेम आ रहा है, तो 0 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्लियर। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में डिफरेंस समझना है कि डिफरेंस क्या था इन क्वेश्चन में। दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखना मैं चेंज कहां पे कर रहा हूं, यहाँ पे चेंज किया मैंने सिर्फ 2n टर्म्स की जगह आयोटा की पावर 2n, अब देखना फर्क। जब मैं n की जगह 1 लेता हूँ, 1 यानी ऑड, पहला केस बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा, जब मैं n इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ जो कि क्या है इवन है, जब 1 लूंगा तो यहाँ पे 1 रखना, तो आयोटा की पावर 2 तक मुझे सम करना है, तो आयोटा की पावर 2 तक सम करो, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल होकर 0, क्लियर। एन की जगह 2 रखो, 2 टू जब 4, तो आयोटा की पावर 4 तक सम करना है, आयोटा की पावर 4 तक, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक। ये इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन पावर्स ऑफ आयोटा 0, 1 प्लस 0 1। देखना जब मैं एन की वैल्यू ऑड रख रहा हूँ तो आंसर 0 आ रहा है, जब मैं एन की वैल्यू इवन रख रहा हूँ तो आंसर 1 आ रहा है, यानी दोनों केसेस में क्या है सिमिलैरिटी नहीं है, अलग अलग आंसर आ रहा है, तो ऐसे केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव, या इस टाइप से 0 एंड 1 बोथ, ठीक है। अगर ऑप्शन में 0 एंड 1 बोथ होते तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में आपने डिफरेंस फील किया, ठीक, और दोनों रिपीट हुए क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरीज होती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और ये हमने क्या पढ़ा इसमें आज, आयोटा, आयोटा कैसे आया कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, फिर हमने उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा पढ़ी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। और कल की जो हम वीडियो आएगी उसमें भी थोड़ा बहुत आयोटा से रिलेटेड कुछ रह चुका है वो पढ़ेंगे, और कल ये आयोटा वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे, तो ठीक है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, फिर थैंक यू।